सो गाइज, मेरे पास एक कमेंट आ रही थी कि वेस्टर्न यूनियन पर एक वीडियो बनाइए। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, देखिए ये भाई की ये रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसने मुझे बोला था, आप कमेंट आप साइड में देख सकते हो कि वेस्टर्न यूनियन पर एक वीडियो बनाओ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए वेस्टर्न यूनियन एक मनी ट्रांसफर बैंक होता है जिसका यूज़ एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका एक यूज़ और है कि ये करेंसी को चेंज भी करता है अकॉर्डिंग टू आपकी कंट्री के। ठीक है, मान लीजिए आप सऊदी अरब में रहते हो या दुबई में रहते हो या फिर आप अमेरिका में रहते हो, आप डॉलर भेजते हो, तो मान लीजिए आपने अगर वहाँ से डॉलर भेजे 100 डॉलर, तो आपको यहाँ पर अगर इंडिया में हो, आपके पास इंडिया में भेजे गए पैसे, तो जब आप वेस्टर्न यूनियन बैंक जाओगे तो वो आपको इंडियन करेंसी में इन डॉलर को चेंज करके आपको पैसे देगा आपके बैंक में, आपके जो भी आप जैसे भी प्रोसेस में आप लेना चाहो। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं देखिए प्रोसेस क्या होता है पैसे भेजने का और पैसे लेने का, दोनों प्रोसेस मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सो गाइस देखिए, सबसे पहले आप डिटेल से समझिएगा, देखिए वेस्टर्न यूनियन का मतलब होता है कि पैन मनी ट्रांसफ़र करना एक देश से दूसरे देश में। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई भाई है, एक फॉर एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, आपका कोई भाई है जो यूएस में रहता है। ठीक है, उसने वहाँ से अगर डॉलर भेजने हैं आपको वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, तो वो वहाँ पर जाएंगे अपने, ये हर जगह आपके इंडिया में भी वेस्टर्न यूनियन की हर शहर में ब्रांच है, आप वहाँ सर्च कर सकते हो गूगल पर, आपको दिख जाएगी। इसी तरीके से हर देश में इसकी ब्रांचेज हैं। ठीक है, तो वो लोग जाएंगे वेस्टर्न यूनियन की ब्रांच में, वहाँ जा करके उनको एक फॉर्म दिया जाएगा, आप साइड में देख सकते हो इस तरीके का, वो इस फॉर्म को फिल करेंगे, नाम डालेंगे जहां सेंड करना, अपना नाम डालेंगे, अपनी पूरी डिटेल डालेंगे, बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे। ठीक है, उसी तरीके से जिसको सेंड करना है उसका नाम सही सही डालना होता है, यानी कि स्पेलिंग गलत हो जाए, स्पेलिंग एकदम सही होनी चाहिए जो सेंड कर रहे हैं उसकी, और जो जिसको सेंड कर जो सेंड करने वाला है और जिसको सेंड की जा रही है, दोनों की ही स्पेलिंग दोनों की मैच करनी चाहिए जो आपके बैंक अकाउंट में है। ठीक है, उसके बाद अकाउंट नंबर, अकाउंट डिटेल, सारी डिटेल डालने के बाद में वो उस फॉर्म को फिल करके जमा करेंगे अब उस बैंक में, और साथ ही जितना अमाउंट उन्हें पे करना है उस फॉर्म में भी भरेंगे और उनको देंगे पे करने के लिए। उसके बाद उनको उस फॉर्म पर एक नंबर दिया जाएगा, एक स्लिप दी जाएगी उस फॉर्म को जमा करने के बाद, जब वो पैसा आप मनी ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस करेंगे बैंक वाले, तो उनको एक स्लिप देंगे जिसमें मनी ट्रांसफ़र कंट्रोल नंबर होगा, जिसको नंबर बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ में जितने डॉलर जितने आप भेज रहे हो पैसा, वो जो ट्रांसफर कर रहे हो उसकी कितनी क्वांटिटी है, यानी कि कितने आप भेज रहे हो, 200 डॉलर, 400 डॉलर, तो वो दोनों चीज़ें आपको जहां, मान लीजिए आपने यूएस से भेजा पैसा अपने इंडिया में किसी भाई को, तो इंडिया वाले भाई को वो फ़ोन करके बोल देंगे कि भाई मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और मनी ट्रांसफ़र कंट्रोल नंबर हमारा ये है। ठीक है, और इतने पैसे मैंने ट्रांसफ़र करे, तो उनके पास मैसेज, मेल या जो भी आप व्हाट्सएप वगैरह जो भी करना चाहो वो कर दीजिए। उसके बाद में जो इंडिया में भाई ने जिसने पैसे लेने हैं उस भाई को, देखिए क्या करना है, अभी हमारी कई ब्रांचेज ऐसी हैं जैसे कि हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI हो गई, ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो आपको ऑनलाइन नेट बैंकिंग में आपको यूनियन बैंक, वेस्टर्न यूनियन बैंक का ऑप्शन देती है मनी ट्रांसफ़र का। तो आपको सिंपली अगर आपके पास बैंक है तो आपको लॉगिन करना है अपना नेट बैंकिंग, उसके बाद वहाँ पर देखिए वेस्टर्न यूनियन सर्विस का ऑप्शन आता है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है, उसमें आपको एक फॉर्म आ जाएगा, उसमें आपको मनी ट्रांसफ़र कंट्रोल नंबर डालना है और जिसने पैसे भेजे हैं उसका नाम वाम सारी डिटेल भर करके वहाँ से आप इंस्टेंटली पैसा निकाल सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। तो अगर आपके पास, मान लीजिए अगर आपके पास कोई बैंक नहीं है, आपके पास ऑनलाइन सर्विसेज नहीं है, ऑनलाइन नेट बैंकिंग नहीं है, तो आपको करना क्या है, आपको सर्च करना है नियर बाई वेस्टर्न यूनियन बैंक। ठीक है, उसमें सर्च करने के बाद आपको जाना है बैंक में, जाने के बाद में सिंपल से आपको अपना ID प्रूफ लेके जाना है, आप कुछ भी ले जाइए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और उसके बाद जो मनी ट्रांसफ़र कंट्रोल नंबर जो उस भाई ने आपको दिया है वो नंबर आपको लेके जाना है वेस्टर्न यूनियन बैंक में, वहाँ जा करके उनको बताना है कि हमारे पास पैसा आया है और ये पैसा हमें निकालना है। ठीक है, तो आपको कैसे निकालना है वो आपको ऑप्शन देंगे, आपको कैश चाहिए या आपको आपके अकाउंट में चाहिए, तो दोनों तरीके से वहां से एक फॉर्म मिलेगा, आपको फिल करके देना है, उसमें आपको अपना नंबर डाल के देना है, मनी ट्रांसफर कंट्रोल नंबर जो आपके भाई ने वहां से सेंड किया है वो, और साथ ही उसकी कितनी आपको धनराशि सेंड की गई है, कितनी मनी आपको सेंड की गई है, वो चीज़ डाल के आप जमा कर देंगे, उसके बाद आपको पैसा वहां से मिल जाएगा। तो ये तो हो गया इसका प्रोसेस। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, देखिए आप इसको अब ऑनलाइन भी कर सकते हो, मैं आपकी वेबसाइट में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट इस तरीके से। देखिए इसमें 100% श्योर नहीं हूं, लेकिन मैं आपको ये, मैंने क्योंकि मेरा कोई भाई है नहीं है, मुझे कभी बाहर से पैसे आए नहीं है, इसलिए मैंने सर्च किया था, देखा था कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑनलाइन ऑप्शन भी दे रखा है मनी ट्रांसफर और मनी रिसीविंग का। ठीक है, तो दोनों काम ये ऑनलाइन भी कर सकते हो, मैं वेबसाइट पर लिंक दे दूंगा, लेकिन ज्यादा बेटर रहेगा कि आप बैंक जाकर ही लें। ठीक है, अगर आपको कोई भाई बंधु जो भी है, अगर आपको कोई पैसा सेंड करता है तो आप पहले बैंक जाइए, वहां जाकर के नॉलेज करिए, जानकारी लीजिए, उसके बाद में पैसा निकालिए। तो भाई जिसने मेरे पास कमेंट की थी, भाई ये देखिए
आप क्या, अगर कोई भाई बंधु जो भी बाहर रहता है, अगर आपको कोई पैसा भेजता है तो सिंपल सी बात है, आपको मनी ट्रांसफर कंट्रोल नंबर जो है, MTCN नंबर जो है, वो आपको संभाल के रखना है, उसको लेकर के जाना है बैंक में। बैंक में जाने के बाद वो नंबर देना है, वहाँ पर से फॉर्म मिलेगा, फॉर्म वॉर्म भरना है, सब कुछ भरने के बाद देना है, वहाँ से उसके बाद आपको पैसा मिल जाएगा। और सारी और आपको एडवांस जो नॉलेज है आपकी, एक्स्ट्रा जानकारी और चाहिए, वो आपको बैंक जाने के बाद पता चली जाएगी। तो ये तो मैंने इधर उधर से जानकारी पढ़ के खोज के निकाली है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो भाई, आपको समझ में आ गया हो प्रोसेस, तो लाइक वीडियो को जरूर कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, जिस जिस भाई के मतलब फैमिली मेंबर बाहर रहते हैं, वो पैसा अगर उनको ज़रूरत पड़ती है कभी इधर से उधर या उधर से इधर भेजने की, तो इसका ऑप्शन का आप सबसे बेटर और सबसे सेफ तरीका है। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, देखिए इसमें फीस नहीं लगती, इसमें फ्री होता है, ये चार्ज इसमें नहीं लगता है, ठीक है। तो ये आपका सबसे बढ़िया ऑप्शन है मनी ट्रांसफ़र करने का एक देश से दूसरे देश में, और मनी रिसीव करने का भी, ठीक है। पैसा उसी का लगता है जो ट्रांसफ़र करता है, मान लीजिए आपके भाई ने US से पैसे ट्रांसफ़र किए हैं तो वही चार्ज देंगे, आप लेने जाएंगे तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ये फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो गाइस, वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाते रहता हूँ। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।